आदि सुशीलदार साहब, सुशीलदार साहब, गुंडार अहमद वानी साहब, गुंडार अहमद वानी साहब। आज जो महापंचायत के सिलसिले में मीर साहब ने 6 साल में जो अंतर मेहनत करके कांग्रेस के झंडे को बुलंद यहाँ पे रखा, हम भी जम्मू से चल के इस बैरीनाग के इस इलाके में पावन धरती पे आप सब लोगों का जन सैलाब देखते हुए हम फख्र महसूस करते हैं कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, वाकई मीर साहब एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपके सामने बन के उनके आएंगे। दूध बेचने वाला आया जी सी मर्मू, तो महतो में सतपाल मिल्कस सह लिफाफे नू तम गवाह सत्या पता वा जहाज मन सुना त्रो कि समंदर सुन आव जी सी मर्मू तम दुख बैक टू विलेज टू हम शुरू करेंगे। आप नए सिरे से मेरे वक्त में पूछेंगे लोगों की क्या डिमांड है। निकले हमारे शहजादे, गए गांव गांव, फिर स्टेज सजाए, फिर गांव वालों को बुलाया। पहले उर्दू में पढ़ा था, अब अंग्रेजी में पढ़ा। नए सिरे से डिमांड गांव की दी और वो लिफाफा लेकर जीसी मर्मू चला गया, वो भी यहां से गायब। और फिर तीसरा साहब आया, ये वोन वही मेनिस द्वादश आसना आब हुई हमन ओसुत आब आस। और जब बैक टू विलेज थ्री से बनाया और फिर लोगों ने सोचा शायद वो पहले तो गलत थे, अब यहां पर हम देंगे। हमारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारा अपग्रेडेशन करो, हमारा स्कूल बनाओ, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर की जरूरत है, हमारे कोचों की जरूरत है, हमारे टाइल पाथ की जरूरत है, हमारी तार की अपडेशन की जरूरत है, पोल नहीं है। ये इस तरह की डिमांड्स दे दिए वो मनोज सिन्हा साहब के पास है। एक साल के बाद हमने सोचा अगर हम जल्द जल्द इनका हिसाब किताब, इनकी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, ये कहेंगे कि हम कुछ करने वाले थे, ये कांग्रेस वाले नहीं करने दे रहे हैं। हमने पूरा टाइम उनको दिया, निचोड़ो आप जितना निचाड़ना है लोगों को, मगर अब टाइम आया है, 2021 है ये। अब कांग्रेस पार्टी निकली है, आज खुदा की मदद से उमू गांव से हमने शुरू किया है और ये लहर, ये मिशन हम जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वादी के 5,500 पंचायतों में जाकर हम वहां लोगों को पूछेंगे कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, और ताकि वो रोजाना सुने उनके ऑल इंडिया के वो रेडियो, उनके नेशनल वो चैनल जो पीछे से ही खरीदे हुए हैं। यहां कश्मीरी मर रहा है, यहां आज बल्ला साहब मौला राम जी आपको पता नहीं कि ये हजारों की तादाद में कारकुन कितने बैरियर्स पास कर करके यहां पहुंचे। यहां आज एक एक आदमी के पीछे 10-10 एजेंसीज लगा रखी है, अगर कोई जोरदार आवाज, जायज आवाज उठाएगा उसको पता नहीं शाम को किस चीज में पर्चा वहां पर होगा। उसको ये नहीं पता कि मुझे दिल्ली से बुलावा आएगा या मुझे किस बड़े दफ्तर से बुलावा आएगा। इसलिए यहां दम घुटा हुआ है, अगर इस दम के बदले कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं बनेगा और दूसरे किसी में ये हिम्मत नहीं है, वो सारे बिकाऊ लोग हैं, वो सारे मोदी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनको मोदी की ही आवाज यहां पर खड़ा करनी है। वाई दे कांग्रेस पार्टी है जो लोगों की आवाज बनकर खड़ा होगी, आपकी आवाज हम बनेंगे, और अगर हमें हथकड़ी भी उनको लगानी हो लगा ले, गुलाम अहमद मीर के पतले हाथ तैयार हैं। अगर उनको हमें कहीं रोकना भी होगा रोक ले, अगर उनको दम है, मगर कांग्रेस पार्टी अपना टीम लेकर निकलेगी पहाड़ों पर, प्लेनों पर, गरीबों पर, चाहे वो गुजर भाई है चाहे कश्मीरी भाई है, हम इनके पास पहुंचेंगे और इनसे सुनेंगे कि जमीनी सतह पर इनकी तकलीफें क्या है।